बतावाओ पेश तू। हाँ ता या जेर ती। ता तू ती। सा अलिफ जबर सा। सा वाओ पेश सू। सा या जेर सी। सा सू सी। हा अलिफ जबर हा। हा वाओ पेश हू। हा या जेर ही। हा हू ही। खा अलिफ जबर खा। खा वाओ पेश खू। खा या जेर खी। खा खू खी। रा अलिफ जबर रा। रा वाओ पेश रू। रा या जेरी। रा रूरी। शाबाश। चलिए आप स्टार्ट करें। मिनल मुशरिकीन। काफ को थोड़ा लंबा करना है। गुड। सना तावुज। माशाल्लाह। नेक्स्ट कौन सी सूरत है? चले स्टार्ट करें। शाबाश। बहुत अच्छी सुनाई। लेकिन ना इसमें एक अलीज़िया मिस्टेक करती हैं, क्योंकि ये शुरू में आता ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीम को थोड़ा लंबा करना है। आगे अर्रहमानिर्रहीम। हीम नहीं जल्दी दी करना, ठीक है? नेक्स्ट कौन सी सूरत है? चले स्टार्ट करें।
आपने वाव नहीं पढ़ा, वलम या कुल्लाहू। ओके वलम या कुल्लाहू कुफुवन अहद। गुड। तकबीर रुकू में जाने की तस्बीह लीजिए का ये इसको ऐसे नहीं करते नमाज को सही पकड़ें। उसके बाद तस्मी तहमीद। उसके बाद फिर से तकबीर है पढ़ें। अब रुकू में जाने की तस्बीह गुड। उसके बाद फिर से तकबीर तशद। नहीं नहीं तशद। लफ़ छोड़ा आपने, एक हरफ छोड़ा है, वरहमतुल्लाहि वाव भी आगे आता है। वबरकातु इसमें आपकी दो मिस्टेक थी लीजिए। एक यही है कि अस्सलामु अलैना नहीं है, अलैना नून क्या गया अलिफ भी है वो भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद ये दूसरी मिस्टेक है वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन, मीम को दो दफ़ा पढ़ना है। मैंने आपको बताया था ना जिस लफ्ज़ के ऊपर शद होती है, जिस हरफ के ऊपर, वो लफ्ज़ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और एक मरतबा ख़ुद वो पढ़ा जाता है। तो आपने इसको ठीक करना है। उसके बाद दुरूद शरीफ़